हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन डॉग्स थिंग्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पपी को अपने घर पर लाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और घर पर लाने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू टेक केयर ऑफ अ पपी, मतलब एक पपी की देखभाल कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। फाइंड अ ट्रस्टेबल ब्रीडर। देखिए, काफ़ी सारे लोग डॉग लवर्स होते हैं तो काफ़ी सारे लोग किसी स्पेसिफिक ब्रीड के लवर्स होते हैं। अब दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे कि जो डॉग लवर्स होते हैं वो चाहे तो स्ट्रीट डॉग्स के पपीज़ को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो पपी है वो स्ट्रीट डॉग है या फिर कोई ब्रीड का डॉग है। उनके लिए सारे डॉग्स बराबर होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और एक रियल डॉग लवर की असली पहचान है। और वैसे भी स्ट्रीट डॉग्स के पपीज़ और स्ट्रीट डॉग्स वगैरह उतने ही लॉयल और लवेबल होते हैं जितने अदर ब्रीड्स के डॉग्स होते हैं। लेकिन कुछ लोग ब्रीड लवर्स होते हैं, जैसे किसी को जर्मन शेफर्ड डॉग पसंद होते हैं तो किसी को लैब्राडोर्स, किसी को शिह ट्जू डॉग पसंद होते हैं तो किसी को ग्रेट डेन। अब इनको किसी एक स्पेसिफिक ब्रीड से ज़्यादा प्यार होता है, इसलिए डॉग लवर्स से ज़्यादा ब्रीड लवर्स होते हैं। इसीलिए अगर आप एक डॉग लवर और एक स्ट्रीट डॉग के पप्पी को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी ट्रस्टेबल ब्रीडर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी एक स्ट्रीट डॉग के पप्पी को अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे दो चीज़ों को फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा होगा कि आपको एक डॉग मिल जाएगा और एक बेजुबान जानवर को एक घर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ब्रीड लवर हैं तो आप किसी रेपुटेटेड ट्रस्टेबल ब्रीडर से पपी खरीदें जिस पर आप भरोसा कर सको कि वो आपको मिक्स ब्रीड नहीं देगा, क्योंकि इंडिया में ब्रीड्स को लेकर सबसे ज़्यादा फ्रॉड किया जाता है। अब आप ये बोलेंगे कि हम किसी ट्रस्टेबल ब्रीडर को कहाँ से ढूंढें, तो आप अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या आपके एरिया में जिसने भी प्योर ब्रीड का डॉग ले रखा हो उनसे उस ब्रीडर का कॉन्टैक्ट नंबर लें जहाँ से उन्होंने अपने डॉग को लिया हो। और कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद भी आप उनसे उस ब्रीड की पपी को लेने से पहले प्योरिटी की चेक ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी जो ब्रीडर्स होते हैं वो जो फ्रॉड ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी मिक्स ब्रीड का जो पपी होता है उसको सेल करने से पहले उसके बालों पर डाई कलर कर देते हैं, मतलब डाई कर देते हैं, जिससे सामने वाले जो परचेजर होता है उसको पता ना चले। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल आप ज़रूर रखें। और आप जब एक ट्रस्टेबल ब्रीडर से पपी लेते हैं और वो आपको एक अच्छी क्वालिटी का पपी देता है, तो आप उसके प्राइस में ज़्यादा नेगोशिएशन ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 या 2,000 तक उसके प्राइस में कम करें, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़्यादा नेगोशिएशन पर वो आपको एक बेकार क्वालिटी का पपी भी आपके सामने ऑप्शन में रख देगा। और वो बेकार क्वालिटी का पपी को लेने के बाद हो सकता है कि फ्यूचर में आपको उसके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए, इसलिए आप शुरू में ही ऐसी गलती ना करें। इसलिए आप जब किसी डॉग को अपने घर ला रहे हो तो आप रोज़ रोज़ तो नए नए डॉग को लाओगे नहीं अपने घर पे। आप एक ही डॉग को ला रहे हो और आपके साथ 10 से 12 साल या हो सकता है 14 साल तक आपके साथ रहे। इसलिए अगर वो आपके साथ इतने सालों तक आपके साथ रहेगा तो आप एक अच्छी क्वालिटी का ही पपी ले। अगर आपके बजट में एक पपी लेना नहीं आ रहा अच्छी क्वालिटी का, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़े पैसे को जोड़ें, उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी का पपी लें। फीडिंग गाइडलाइंस। गाइस, आपको अपने पपी की ग्रोथ को अच्छी रखने के लिए उनके फूड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि आप किसी भी ब्रीडर से या अपने दोस्त से या रिश्तेदार से किसी से भी पपी को लेते हैं, उस पपी को 45 डेज से पहले ना लें। आप उस पपी को 45 डेज तक अपनी माँ के पास ही रहने दें, क्योंकि उस पपी के मदर के दूध में जितनी ज़्यादा ताकत होगी उतने किसी भी अच्छे ब्रांड के स्टार्टर फूड या फिर सेरेल किसी में भी नहीं होगी। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली उन पपीज़ के मदर को कुछ हो जाता है या फिर उसके मदर के मिल्क में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसके वजह से वो पपीज़ को मिल्क प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो आपको ये नहीं करना कि आप उन पपीज़ को गाय का दूध या फिर बकरी का दूध दें। कि लेकिन आप वो दे सकते हैं, लेकिन उससे उनमें डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप उन्हें काओ मिल्क या गोट मिल्क के अलावा उन्हें डॉग का एक स्पेसिफिक मिल्क आता है उसे देना है। ये डॉग मिल्क आपको आपके नज़दीकी के पेट शॉप पर मिल जाएगा। आप वैसे अपने पपीज़ को काओ मिल्क या बकरी का दूध दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी कोई डाइजेशन से खिलवाड़ नहीं करना चाहते तो आप एक डॉग का जो मिल्क आता है उसे ही दें। और आपको अपने पपी को 21 डेज से 35 डेज तक सेरेलेक और डॉग मिल्क को एक साथ देना है। अकॉर्डिंग टू ब्रीड कि वो ब्रीड स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है या फिर लार्ज साइज डॉग ब्रीड है, उसके बॉडी रेशियो के हिसाब से। और ज़्यादा सेरेलेक भी डॉग की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है, स्पेशली मीडियम टू लार्ज साइज डॉग्स के लिए। और जो आप उसे सेरेलेक देंगे वो ह्यूमंस का नहीं होना चाहिए, डॉग्स का होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस पपी को 45 डेज के बाद लेते हैं तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपको उस पपी को घर पर लाने के बाद उसके खाने को एकदम से चेंज नहीं कर देना है। आप उस पपी को जिस भी ब्रीडर से ले रहे हैं या फिर आपके दोस्त या रिश्तेदार किसी से भी ले रहे हैं, उनसे ये ज़रूर पूछें कि वो आपके घर पर लाने से पहले उस पपी को क्या देते थे, और आपको भी वही चीज़ को 3 to 5 डेज तक देना है। और आप अपने बजट के हिसाब से जो भी स्टार्टर फीड को अपने पपी को दे सकते हैं उसको जो पहले जो ब्रीडर खाना देता था उसके साथ मिक्स करके देना है।
फिर आपको 3 to 5 days के बाद जब पपी को स्टार्टर फीड की आदत हो जाए तो जो पहले खाना जो ब्रीडर देता था उसको हटाकर वही स्टार्टर फीड को लगातार देना, उसी के ऊपर कम्प्लीटली रिलाई कर देना उस पपी को, क्योंकि पपी स्टार्टर फीड डॉग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनकी ग्रोथ में। पपी स्टार्टर फीड में कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, फैट, फिश ऑयल, ये सब चीज़ें होती है जो कि स्पेशली मीडियम टू लार्ज साइज डॉग्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 45 डेज के बाद तो आपको अपने पपी को जो डॉग वाला सेरेलेक होता है वो भी नहीं देना है, और जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स है जिनको नहीं पता है कि पपीज़ को मिल्क भी नहीं देना है, उनको मिल्क की जगह आप दही दे सकते हैं। और आप अपने पपी को उसके ब्रीड के अकॉर्डिंग स्टार्टर फीड दे सकते हैं, क्योंकि स्टार्टर फीड के पैकेट्स पर लिखा रहता है कि उसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन और फैट्स वगैरह है, इसलिए आप अपने बजट के अनुसार और अपने पपी के नीड के अनुसार इन दोनों का ख्याल रखते हुए उन्हें स्टार्टर फीड दे, फिर वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, फिर वो चाहे पेडिग्री हो, ड्रूल्स हो, एनडी हो, रॉयल कैनिन हो, किसी का भी हो। और आप अगर अपने पपी को सर्दी के वक्त में ले रहे हैं तो आपको अपने पपी की एक्स्ट्रा केयर करनी होगी, लाइक आप उसे ठंडा खाना ना दें, ठंडी दही ना दें, क्योंकि ठंडी दही खाने से वो इजीली बीमार पड़ जाएगा, इसलिए आप उसे दही के अंदर थोड़ा गर्म पानी मिला कर दें जिससे दही की ठंडक कम हो जाए और वो उसे ईजिली खा सके। और आपको अपने पपी को ठंडा पानी भी नहीं देना है, थोड़ा गर्म गुनगुना पानी देना है। और आप उसे सर्दियों में आपको उसको ऐसे केयर करनी है, लाइक आपको उसके कपड़े वपड़े से लपेट के रखना होगा जिससे वो बीमार ना पड़े, उसे बाहर भी लेकर नहीं जाना है जब तक उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि सर्दियों के वक्त में जम्स वगैरह बाहर बहुत घूमते हैं और वो इजीली इन्फेक्टेड हो सकता है। और अगर आपके घर में नॉनवेज अलाउड है, आप सभी नॉनवेज खाते हैं, तो आप भी अपने पपी को दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये देखना है कि आपके पास कौन सी डॉग ब्रीड का पपी है। लाइक अगर आपके पास स्मॉल ब्रीड का डॉग है जैसे कि शिह त्ज़ू, पग, तो आप उसको 3 महीने के बाद, जब वो 3 महीने का हो जाए उसके बाद आप उसको बॉयल एग दें, फिर बॉयल एग के बाद आप उसको नॉनवेज दें। लेकिन अगर आपके पास मीडियम टू लार्ज साइज डॉग्स है जैसे कि लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, तो आप उसको 2 से 2.5 महीने के बाद बॉयल एग से शुरू करें और आप उसको भी नॉनवेज वगैरह दे सकते हैं। और वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग, जब आप अपने पपी को किसी भी आपके नियर बाय वेट के पास लेकर जाओगे तो आपको इस चीज़ की कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि किस तरीके से वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग का प्रोसेस होने वाला है। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मैं चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, मैं वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन, गाइज आपके पपीज जब 2 months के हो जाएंगे आपको उनकी ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन को शुरू कर देना है। आप उन्हें बेसिक कमांड की ट्रेनिंग दे सकते हैं जैसे कि जो बेसिक ऑबिडेंस होते हैं जैसे सिट, स्टे, कम, इन सब की आपको ट्रेनिंग देनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको पॉटी ट्रेनिंग ज़रूर करानी है, वरना आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी अगर आप पॉटी ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि जो आपका पपी जब बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उनका अपने ब्लैडर्स पर कंट्रोल नहीं होता है जिससे वो कहीं पर भी पॉटी कर देते हैं, इसलिए अगर आपका पपी गलती से किसी साफ जगह पर पॉटी कर देता है तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाए ना, उसे डांटे ना, इससे उसके अंदर एक शॉक लग सकता है उसको या फिर डर बैठ सकता है उसके अंदर। इसीलिए आप उन्हें सिर्फ ट्रेन करते रहे, टाइम और कंसिस्टेंसी के साथ आपका पपी पक्का वेल ट्रेन डॉग बन जाएगा। और उन्हें पपी टाइम से ही दूसरे ह्यूमंस एंड डॉग से ज़रूर मिलाए जिससे कि बड़े हो जाने पर वो एक लवेबल एंड वेल सोशलाइज डॉग भी बन सके। डोंट डू, आपको अपने पपीज़ को चेन से नहीं बांधना है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो छोटे छोटे पपीज़ को भी चेन से बांध देते हैं। और आपको उन्हें टॉक्सिक फूड आइटम्स भी नहीं देने हैं जैसे कि अंगूर, मिठाई, चाय, लहसुन, प्याज, चॉकलेट, मिर्च मसाले, ये सब चीज़ें आपको उन्हें नहीं देनी है। और ना ही आपको अपने पपी को अपनी प्लेट में से खाना उठाकर उसको देना है खाने के लिए, क्योंकि ऐसा करने पर उनको ऐसी गंदी आदत पड़ जाती है कि वो आगे चलकर खुद ही आपके प्लेट में से खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर इसमें भी कहीं ना कहीं गलती आपकी होती है क्योंकि शुरू से आप ही उसकी ऐसी आदत डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ पपी, एक पपी की देखभाल कैसे करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, चीज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम नमस्ते एंड जय हिंद।